दोस्तों, आप आधार कार्ड को किस तरीके से डाउनलोड कर सकते हो। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको ये सिखाने वाला हूँ कि आप आधार कार्ड को अपने ही मोबाइल से अपने घर पर बैठकर किस प्रकार से आप डाउनलोड कर सकते हो। उसके बारे में दोस्तों मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, आप अभी हमारे चैनल पर नए हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आने वाला जो नेक्स्ट वीडियो है वो आपको नोटिफिकेशन बॉक्स में मिल सके। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो है इसमें मैं आपको आधार कार्ड को किस तरीके से डाउनलोड किया जाता है गूगल से, इसके बारे में आपको मैं बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, आप किस तरीके से आधार कार्ड डाउनलोड कर सकते हो। तो दोस्तों, चलते हैं मोबाइल फोन की स्क्रीन पर और वहां पर देखते हैं कि आप किस प्रकार से आधार कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले आपको गूगल खोल लेना है। गूगल खोलने के बाद में आपको आधार सर्च करना है। इसमें गूगल पर आधार सर्च करने के बाद में दोस्तों आपको UIDAI की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो आपको दिख जाएगी सबसे ऊपर ही ऊपर, UIDAI.gov.in जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में दोस्तों आपको जो ये वेबसाइट है उसमें एंट्री करोगे तो उसके लिए आपको लैंग्वेज चॉइस करनी पड़ेगी कि आप कौन सी लैंग्वेज में चॉइस करना चाहते हो, कि कौन सी भाषा में आप ये देखना चाहते हो। तो दोस्तों मैं इंग्लिश सेलेक्ट कर देता हूँ। उसके बाद में जो आधार का ऑफिशियल पेज है वो आपको खुलकर दिख जाएगा और अपने को करना है आधार डाउनलोड। तो अपने को डाउनलोड आधार पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में जो इसकी वेबसाइट है वो खुल जाएगी, माई आधार। उसके बाद में दोस्तों आपको लॉगिन पर क्लिक कर देना है। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद में दोस्तों आपको सबसे पहले यहाँ अपना आधार कार्ड नंबर भर लेना है। आधार नंबर भरने के बाद में दोस्तों यहाँ पर जो कैप्चर कोड है वो भर के जो सेंट OTP है उस पर क्लिक कर देना है। तो एक बात को दोस्तों, आप आधार कार्ड डाउनलोड करोगे तो एक बात का ध्यान रखना है, आपके जो आधार कार्ड है उसके अंदर मोबाइल नंबर जुड़ा हुआ होना आवश्यक है, नहीं तो आपका आधार कार्ड डाउनलोड नहीं हो सकता। तो मैं एक बार अपने आधार नंबर भर लेता हूँ और उसके बाद मैं OTP सेंड कर देता हूँ। मैंने आधार नंबर भर लिया है और मैं सेंड OTP कर देता हूँ और मेरा OTP है वो जनरेट सक्सेसफुल बता दिया है। और दोस्तों जो OTP है वो भी अभी स्क्रीन पर दिख जाएगा। OTP मेरा आ चुका है, यहाँ पर कोने में मैसेज शो कर गया। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, एक बार आप देख सकते हो मेरा OTP आ चुका है। मैं एक बार आपको स्क्रीन नीचे स्क्रॉल करके दिखा देता हूँ, मेरा OTP वो आ चुका है 241486, 241486। ओके दोस्तों, मैंने इसको सबमिट कर दिया है। सबमिट करने के बाद में दोस्तों मेरे पास मेरा आधार है वो लॉगिन हो गया है। इसमें काफ़ी सारे ऑप्शन आ रहे हैं, डाउनलोड आधार का भी आ रहा है, ऑर्डर आधार, PVC कार्ड मंगाते हैं उसका भी आ रहा है। दोस्तों मैंने आधार कार्ड को PVC पर कैसे मंगाते हैं उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से आकर आप जा कर के आप आधार कार्ड PVC मंगवा सकते हो कि आप किस तरीके से PVC आधार कार्ड मंगवाएं। और दोस्तों नेम, जेंडर, डे ऑफ बर्थ, ये दोस्तों इसमें एड्रेस वगैरह भी चेंज कर सकते हो और भी दोस्तों बहुत सारे ऑप्शन हैं, उनके बारे में मैं आपको अलग से वीडियो बना करके बताऊंगा कि उनके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं क्या क्या नहीं है, उसके बारे में मैं पूरी चीज़ें बताऊंगा। तो दोस्तों अपने को तो अभी डाउनलोड करना है आधार कार्ड, तो मैं डाउनलोड आधार पर क्लिक कर देता हूँ। दोस्तों जो डाउनलोड आधार है उसका ऑप्शन खुल के आ जाता है और उसके नीचे दोस्तों जो अपनी डिटेल है वो प्रीव्यू होके आ जाती है। दोस्तों मैंने डिटेल तो हाइड कर रखी है और मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। डाउनलोड पर क्लिक करता हूँ। डाउनलोड पर क्लिक करते ही दोस्तों जो आधार कार्ड है वो डाउनलोड होने लग गया है और वो डाउनलोड हो गया है। मैं आपको एक बार ऊपर दिखा देता हूँ स्क्रॉल डाउन करके, ये आधार कार्ड डाउनलोड हो गया है और इसने दोस्तों पासवर्ड मांग लिए हैं। और दोस्तों जो इसका पासवर्ड रहेगा वो बिल्कुल सीधा पासवर्ड है, जो आपका नाम है उसके जो पहले चार अक्षर है वो आपको कैपिटल लेटर में लिखने हैं। उसके बाद में जो आपकी ईयर है 2001 है, 2002 है जन्मतिथि की, 1990 है, 1995 जो भी है वो आपको इसमें भरनी है। उसे क्लिक कर देते हैं, ओपन दोस्तों हो गया ये। और दोस्तों जो आधार कार्ड है वो डाउनलोड हो चुका है। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना। और दोस्तों आज के लिए ही इतना ही, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। और अब तक के लिए ही दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।